ब्लू व्हेल सिटी जो कि एक ऑथेंटिक और अप्रूव प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स में फ्रेश बुकिंग चल रही है, इसके अलावा यहाँ पे बैलेटिंग कब होने जा रही है और यहाँ पे आप 3 से 4 लाख का डिस्काउंट किस तरह से अवेल कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महनूर महमूद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। एज यू ऑल नो, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर डिफरेंट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऑल ओवर पाकिस्तान की अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो ब्लू व्हेल सिटी से रिलेटेड है, जो कि आप सब जानते हैं कि चक्री इंटरचेंज इस्लामाबाद न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब ये सोसाइटी वाकई है। और आज की वीडियो में मैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी कि यहाँ पे कौन कौन से फेजेस में फ्रेश बुकिंग चल रही है, इसके अलावा कहाँ पे पोजिशनेबल प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ पे आप पोजिशनेबल कमर्शियल प्लॉट्स ले सकते हैं, और इसके अलावा फ्रेश बुकिंग कहाँ पे है, बैलेटिंग कब होने जा रही है, और मिनिमम आप 3 से 4 लाख का डिस्काउंट किस तरह से यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश बुकिंग की। यहाँ पे आपको जनरल ब्लॉक फेज 2 में, इसके अलावा ओवरसीज ब्लॉक फेज 2 में, और आपको अवामी में 4.5 मरला की फ्रेश बुकिंग मिलती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स वैली और वाटर फ्रंट में फ्रेश बुकिंग आपको दी जा रही है। यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स वैली में देखें तो स्पोर्ट्स वैली में पहले 20 लाख की बुकिंग दी जाती थी, जो कि पोजिशन चार्जेस 2 लाख थे, वो वेव टॉप किए गए थे, लेकिन अब यहाँ पे न्यू प्लान आए हैं जहाँ पे वो जो एक आपको पोजिशन चार्जेस नहीं देने थे वो आप ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको जो टोटल प्लॉट है वो 22 लाख का मिलता है। इसके अलावा रिसेंटली जो अवामी है उसकी रेट्स रिवाइज हुए थे जनवरी में, जिनमें जो आपको 8,75,000 की फाइल मिलती थी वो 9,75,000 की दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 से 4 लाख का इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आपको अवामी में भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स वैली में भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स वैली में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 किनाल के प्लॉट की कैटेगरीज मौजूद हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। 5 मरला में अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कम से कम जो आपको डिस्काउंट है वो 3 से 4 लाख मिल रहा है, यानी जो आपकी 22 लाख की फाइल है उसकी जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 18 लाख के प्लस माइनस में आपको टोटल फाइल दी जाएगी, और आपने डाउन पेमेंट करनी है और आपको 50% पे यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें बैलेटिंग की, तो बैलेटिंग इनकी जो नेक्स्ट होने जा रही है वो दिसंबर में होने जा रही है, जिसमें स्पोर्ट्स वैली के अलावा बाकी सब ब्लॉक्स को शामिल किया जाएगा अवामी और वाटर फ्रंट की। रिसेंटली अभी एक बैलेट की गई थी, अब नेक्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है। इसमें स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बाद जो बैलेटिंग की जाएगी उसमें एक्सपेक्टेड है कि स्पोर्ट्स वैली को शामिल किया जाए। हमें बहुत से क्लाइंट्स की क्यूरीज रिसीव होती थी जो हमसे पूछते थे कि स्पोर्ट्स वैली को कब बैलेट किया जाएगा, तो अब जो नेक्स्ट बैलेटिंग होगी उसमें एक्सपेक्टेड है कि स्पोर्ट्स वैली को भी शामिल किया जाए। जो फर्स्ट बैलेटिंग होती है इसमें 50% आप पे करते हैं तो उसमें आपको बैलेट में शामिल किया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप 50% पे करके बैलेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पोर्ट्स वैली में एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें 3-4 लाख का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो अगर आप 22 लाख की टोटल अमाउंट देखें तो वो तकरीबन 11 लाख बनती है, लेकिन आपने जो पे करना है वो आप अगर 8 लाख पे करें तो आप बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपने 8 लाख एक साथ ही पे करना है, आप कुछ अमाउंट में भी पे कर सकते हैं, यानी आपके पास 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, जितनी भी अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं, लेकिन बैलेटिंग से पहले तक अगर आपकी पे होती है तो आप बैलेट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी यहाँ पे डिफरेंट हर ब्लॉक में फेजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो फर्स्ट बैलेट में होते हैं उन्हें फिर स्टार्ट का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, ये स्टार्ट के फेज स्ट्रीट्स होती हैं, वहाँ पर प्लॉट्स दिए जाते हैं, तो अगर आप फर्स्ट बैलेट में आते हैं तो आपको अच्छी लोकेशन पर एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप यहाँ पे इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इवन जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई हुई हैं वो भी कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने बुकिंग करवानी है तो ये एक बहुत बेस्ट टाइम है कि वो यहाँ पे बुकिंग करवा के एक अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और इसके अलावा वो बैलेटिंग में भी शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे जो वाटर फ्रंट है, वाटर फ्रंट में आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स फ्री दी जा रही हैं कि आप 1,75,000 की डाउन पेमेंट पे करते हैं तो उसमें आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स फ्री दी जाएंगी। ये एक बहुत ही अच्छी डिस्काउंट ऑफर है, जो लोग यहाँ पे बुकिंग करवाना चाह रहे हैं ये बहुत बेस्ट टाइम है कि वो यहाँ पे बुकिंग करवा के आगे बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ब्लू वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो मोटरवे जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज जो कि फुली ऑपरेशनल था, उसको ब्लू वर्ल्ड सिटी से एक्सेस दे दी गई है कि फ्यूचर में आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपको यहाँ से भी कैपिटल स्मार्ट सिटी से भी ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक्सेस दी जा रही है। तो ये एक बहुत बेस्ट टाइम है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में ये नहीं कहते कि ये एक सोसाइटी बन रही है, हम ये कहते हैं कि ये एक पूरा शहर आबाद होने जा रहा है जहाँ पर आपको तमाम अमेनिटीज़ दी जाएंगी। यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर स्कूल बन रहा है, कॉलेज फुली ऑपरेशनल है, इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर थीम पार्क बन रहा है, 100 केनाल की लेक बनाई जा रही है जिसके सराउंडिंग आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, ब्लू मॉस्क बनाई जा रही है, एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये एक पूरा अगर आप देखें तो ये पूरा शहर आबाद होने जा रहा है, जिसको इस्लामाबाद न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी एक्सेस है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इंटरचेंज है वहाँ से भी एक्सेस दे दी गई है, M2 मोटरवे से भी, और इसके अलावा बहरिया टाउन फेज 8 से भी इसको एक्सेस दी गई है। तो ये एक बहुत बेस्ट टाइम है, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पे 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिस तरह से जनरल ब्लॉक में लोगों ने आज से 4 साल पहले इसी तरह इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स बाय किए थे और इस टाइम वो कैश पे प्लॉट सेल किए हैं उन्होंने और उन्हें डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिला है। यहाँ पे ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं जहाँ पे आप 25% पे करके नेक्स्ट डे ही वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफ ग्राउंड देखते हैं तो वो आपको वाटर फ्रंट में यहाँ पे आपको 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे कमर्शियल प्लॉट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट टाइम है कि अगर आप 4-5 साल में घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसमें आप यहाँ पे प्लॉट बाय कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ये भी बहुत बेस्ट टाइम है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अगर आप सोसाइटीज़ में देखें तो सोसाइटीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है कि आपको आफ्टर पोजीशन ही रिटर्न मिलता है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ से या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से मिनिमम बजट में तकरीबन 1 लाख में अगर आपका बजट है और 1 लाख में आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट टाइम है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। 1 लाख डाउन पेमेंट से तकरीबन आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं और जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है 6,000 to 9,000 वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखें या रेजिडेंशियल पर्पज़ से या पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या रेजिडेंशियल पर्पज़ से, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर व्हाट्सएप और ईमो पर भी मौजूद है। फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।